नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को महिला प्रधान पर गोली चलाने वालों में से एक शातिर अभियुक्त को हरपुर बुधड़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। दो देसी तमंचा, एक मिस कारतूस, एक कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 10,130 रुपए नगद किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी बुनियादी सुविधाओं की सौगात। मंगलवार को 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। बाढ़ से निजात के लिए लगेगी बचाव से जुड़ी परियोजनाओं की झड़ी। सीएम योगी करेंगे 181 विकास कार्यों का लोकार्पण व 27 का शिलान्यास। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आठ जुलाई को हड़ावा फाटक पर हुई वृद्ध महिला की हत्या में वांछित एक नशेड़ी युवक को कैंट पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्राप्त 680 रुपए किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। एक 11 जुलाई से 30 जुलाई तक वृद्धा पेंशन धारकों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कैंप लगाकर आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने का दिया निर्देश। कहा, जिन पेंशन धारकों की हो चुकी है मृत्यु, अपात्र व्यक्तियों के नाम की जाए कटौती, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। कमजोर बूथों को जीतने का मंत्र देंगे सीएम योगी। मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालय के पास एक बैंक्वेट हॉल में शहर विधानसभा क्षेत्र में राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने ब्लॉक तहसील पुलिस के जन सूचना अधिकारियों के साथ आरटीआई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक। कहा, कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियमानुसार कर दिया जाए निस्तारित। अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, विद्युत व जल वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। सीएम योगी की पहल पर हुआ आस्था और परंपरा का श्रृंगार। 6 करोड़ की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का 14 जुलाई को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। कैन पुलिस ने एक चैन स्नेचर अविनाश जायसवाल उर्फ विशाल को किया गिरफ्तार। 5.5 ग्राम नशीला स्मैक पाउडर, एक पीली धातु की चेन, मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जनपद की सरकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 100 अंशधारक कृषक सदस्यों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने जनपद के गन्ना किसानों को अंश का प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएमओ की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी बढ़ रही हैं समस्याएं। अपनाना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार का मंत्र। और रामगढ़ ताल में जीडीए के द्वारा लगाया जा रहा है कमल के फूल का पौधा। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कमल का पौधा लगाने से खिलेगा कमल, बढ़ाएगा रामगढ़ ताल की सुंदरता। अब खबरें विस्तार से।
हरपुर बुधहट पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार को महिला प्रधान पर गोली चलाने वालों में से एक शातिर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कटाई टिकर के निकट बाग में से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संजय यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी अनंतपुर थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा, 1 फायरशुदा बुलेट, 10,130 रुपए नकद बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 10 जुलाई को ग्राम रघुनाथपुर में ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी के ऊपर हुए जानलेवा हमले का मुख्य अभियुक्त संजय उर्फ संजू यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी अनंतपुर थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, 11 जुलाई को पुलिस स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि 10 जुलाई को 2 मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा ग्राम प्रधान रघुनाथपुर दुर्गावती देवी पत्नी रामपाल गुप्ता निवासी ग्राम रघुनाथपुर को उनके दरवाजे पर चढ़कर दौड़ाकर गोली मारी गई तथा उनके पुत्र मिथिलेश गुप्ता के ऊपर भी फायरिंग करते हुए अभियुक्तगढ़ हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में हरपुर बुधहट थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक उदय भान सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, राम इकबाल राव, कांस्टेबल दुर्गेश मिश्रा, कमलापति तिवारी, रणवीर सिंह, इंद्रेश वर्मा, रवि चौधरी, नमित मिश्रा, गणेश शंकर पांडे, आशीष यादव, उपेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना हरपुर बुधहट से कल शाम में एक सूचना आई कि रघुनाथपुर ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान दुर्गावती देवी को किसी ने गोली मार दी है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, मजरूब को वहां से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया, जहां उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उनका उपचार डॉक्टर्स की सुपरविजन में चल रहा है। अभी तक उनकी स्थिति स्टेबल है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण और वादी द्वारा बताए अनुसार गांव में प्रधानी को लेकर के पहले से रंजिश चल रही थी और गांव में परफॉर्मेंस ग्रांट का काफ़ी भारी मात्रा में पैसा भी आया था, 9 करोड़ के आसपास का, जिसको लेकर के कसीदगी बनी हुई थी। घटना के समय पर जो लोगों ने देखा तो ये जानकारी हुई कि एक संजय यादव नाम का जो पूर्व अपराधी है वो इस घटना में शामिल हो सकता है। घटनास्थल का निरीक्षण और वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस अपराधी के लिए पुलिस की सभी टीम्स द्वारा कार्रवाई की गई। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और संजय यादव नाम का ये अपराधी अरेस्ट हुआ है। इसके द्वारा घटना कारित किया जाना कबूल लिया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल जो यूज़ की गई है वो भी बरामद हुई है। इसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए, उकसाने और प्रेरित करने के लिए पूर्व प्रधान को भी बताया गया है। घटना के समय पर इसके साथ 2 अन्य साथी राजू यादव व राकेश यादव भी मौजूद थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीमें द्वारा दबिश दी जा रही है। जो मजरूब हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं। इस घटना में जो अन्य साक्ष्य पुलिस के सामने आए उसके आधार पर, तहरीर के आधार पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और जल्द ही इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को इसमें सजा दिलाई जाएगी। ये इस थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, उनकी अभी डिटेल निकाली जा रही है। बिना भेदभाव विकास कार्यों का लाभ सभी क्षेत्रों को मिले, अपने इसी मंत्र को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की सौगात देंगे।
सीएम शहर से लेकर देहात तक सुदृढ़ सड़कों के संजाल का लोकार्पण करेंगे तो बाढ़ से निजात के लिए बचाव से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर क्लब में दोपहर बाद 2 बजे से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह 298,81,72,000 रुपए से अधिक की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 164,77,95,000 रुपए से होने वाले 27 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों से सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, सहजनवा, चिल्लूपार, बांसगांव, खजनी को लाभान्वित किया गया है। सर्वाधिक हुए और प्रस्तावित कार्य सड़क व बाढ़ बचाव को लेकर है। इसके साथ ही 2.32 करोड़ रुपए से तरकुलहा देवी मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य व खजनी ITI में 4.35 करोड़ रुपए की लागत से बने कार्यशालाओं तथा थ्योरी कक्षों का लोकार्पण भी होगा। सीएम योगी के हाथों जिन विकास कार्यों का लोकार्पण होगा उनमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 99, लोक निर्माण विभाग की 42, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 24, बाढ़ खंड की 5, यूपी सड़कों की 3, UPPCL की 2, C&DS की 2, बाढ़ खंड 2 की 2, ड्रेनेज खंड व राजकीय निर्माण निगम की 1-1 परियोजना शामिल है, जबकि लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 की 13, बाढ़ खंड 2 की 7, ड्रेनेज खंड की 6 तथा बाढ़ खंड की 1 परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। लोकार्पण व शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्रों को भी मंच से योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सिविल लाइन्स स्थित कार्यक्रम स्थल का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कार्यक्रम में जो बाहरी अंदर आने का रास्ता है उसको बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा जो क्लब के कमरे हैं उसमें ताला लगाने के लिए कहा और बाहरी व्यक्तियों के आगमन पर रोक लगाने के लिए क्लब के मालिक को निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया। इस अवसर पर SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, CO कैन श्याम देव बिंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये सब रूम जिसका है ये सर वाला ऑफिस ये सब पे ताला लग जाएगा। हाँ ये सब को लेके हम लोग पहले सीधा आएंगे ना उधर से। हाँ हाँ पहले स्टॉल पे लेके आएंगे। ये सब यहाँ पीछे का हाँ लावा पीछे का तो काम एक बार दाम रेडी करके दुल्हन की तरह जाके बिठा देना। अरे तो सकता है यहाँ पे स्टॉल्स लगेगी तो मैं ट्राईसाइकिल बैठेंगे इधर जो 15 मिनट बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी झंडा दिखाएंगे मोदी जी ने प्लॉट ठीक है। ये 10 विभागीय स्टॉप होगा लास्ट वाला था। और एक बार नहीं होगा तो सामने खड़ा होगा नहीं वो तो अब सवेरे इस पर गाड़ी इंटरलॉकिंग क्या नहीं इंटरलॉकिंग कुछ ऐसा हो जाए।
कैंट पुलिस ने 8 जुलाई को हड़ावा रोड पर हुई वृद्ध महिला की हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मोहद्दीपुर पड़हा टोला शिव मंदिर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सूर्य प्रकाश मिश्रा उर्फ सूरज पुत्र भरत मिश्र निवासी सत्य मार्ग गली पड़हा शिव मंदिर मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर स्थायी पता चमनथई पोस्ट चांदपुर थाना बैरिया जिला बलिया के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्राप्त 680 रुपये बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 9 जुलाई की रात 2:30 बजे रेलवे बस स्टैंड से मोहद्दीपुर आया, वहां छप्पर में एक बुढ़िया सो रही थी। मैं जानता था कि वह मंदिर की साफ सफाई करती थी और चाबी उसके गले में ही थी। मैं उसके गले से चाबी निकालने लगा तो वह जग गई और शोर मचाने का प्रयास किया, तो जो उसके गले में बटुआ था उससे गला खींच दिया और मुंह दबा दिया, और जब वह शांत हो गई तो मैं उसके बटुए से करीब 250 से 300 रुपए था उसको निकाल लिया तथा मंदिर की चाबी लेकर मंदिर का दरवाजा खोलकर दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 2000 से 2500 रुपए के 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के तथा 10 व 20 के साथ 100-100 रुपए के नोट मिले। अभियुक्त के बताए हुए जगह पर जाकर तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए पैंट जो तालाब के किनारे फेंका मिला, जिसे मौके पर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त पहले से कैलाशी देवी के परिवार को जानता है, उनके मकान में 5 से 6 वर्ष पहले किराए पर रहता था, कैलाशी देवी को पूरी तरह से जानता था। अभियुक्त ने पैसे की लालच में घटना को कारित किया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, सर्विलांस प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक शशि किरण सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, राम इकबाल राव, विनोद कुमार, उदय कुमार सरोज, अशोक यादव, जोगेंद्र कुमार, गणेश शंकर पांडे, अशोक चौधरी, दुर्गेश मिश्रा, करुणापति तिवारी, रणवीर सिंह, इंद्रेश वर्मा, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, बाकी दोनों को भी ले आओ, आ जाएंगे आ जाएंगे। चल रहे हैं सर, बट हम आए देखिए 9 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में थाना कैंट क्षेत्र के मोहद्दीपुर जो चौकी क्षेत्र है उसमें एक 75 से 80 वर्षीय वृद्ध महिला की डेड बॉडी जो है वहीं पर एक छप्पर में मिली थी, जहां पर वो महिला काफ़ी समय से रहती थी और चाय वगैरह बेचने का काम करती थी। साथ ही साथ उस छप्पर के सामने का जो मंदिर है उसके भी जो गोलक है वहां से भी पैसे चुराए जाने की जो एविडेंसेस वहां से मिले थे। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा ADG सर, DIG सर और हमारे द्वारा किया गया। घटना से जो एविडेंसेज जुटाए गए उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला के पास एक तो चाबी रहती थी और प्लस उसके पास एक वॉलेट रहता था जो गले में चेन की तरह उसके बंधा रहता था। इस घटना का अनावरण हेतु वहाँ की लोकल पुलिस के साथ साथ SOG सर्विलांस टीम को भी साथ में लगाया गया और आसपास के सभी CCTV के कैमराज को खंगाला गया। इस घटना से संबंधित FIR उनके बेटे द्वारा पंजीकृत कराई गई थी। जब टीम को CCTV कैमराज में एक संदिग्ध व्यक्ति रात में 2:30 बजे के आसपास उसका मूवमेंट घटनास्थल के आसपास का मिला तो इस संबंध में वादी को भी कंसल्ट किया गया और आसपास से जानकारी की गई। वादी द्वारा एक व्यक्ति पर शक जताया गया, इसके आधार पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जो उसके द्वारा घटना की कारित की गई है उसको स्वीकार किया है। इस व्यक्ति का नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा है, जो कि इसी मूलतः देवरिया का रहने वाला है लेकिन यहीं पर काफ़ी समय से रह रहा है। ये इस मृतक महिला से पूर्व से परिचित था क्योंकि उसी के बेटे के घर पर ये पहले किराए पर रहता था। नशे का आदि होने के कारण ये उस महिला के पास कुछ पैसे लेने के लिए गया था, वहाँ पर विरोध होने के कारण इसके द्वारा पैसे छीनने की घटना करने के साथ साथ महिला का उसी जो उसका पर्स था उसी से उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई।
उसके पर्स में से मंदिर की चाबी निकालकर मंदिर के गोलक से भी इसके द्वारा पैसे निकाले गए और उसके बाद ये लड़का वहाँ से फरार हो गया। इसको आज पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण अल्प अवधि में पुलिस द्वारा किया गया है। देखिए, एक घटना प्रकाश में आई थी जहाँ पहले भी महिला के साथ इस तरह की घटना होने की बात हुई थी। वो जो उस घटना में शामिल व्यक्ति का उस बारे में भी जानकारी की गई, उसके द्वारा ये घटना नहीं की गई है। इस व्यक्ति का क्योंकि CCTV में जो हुलिया आया था उसका जो वादी द्वारा ही इसको पहचाना गया था, सूचना दी गई थी और अल्टीमेटली जब इससे पूछताछ हुई है तो यही व्यक्ति इस घटना को पारित करने के लिए शामिल पाया गया। देखिए, बेसिकली इसके द्वारा पैसे ही वहाँ से चुराए गए थे जो इसके द्वारा कहीं खर्च कर दिए गए हैं और बाकी इसके जो कपड़े हैं जो उस घटना के समय पर ये पहने हुए था वो वहाँ से बरामद हुआ। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने तहसील स्तर पर 11 जुलाई से 30 जुलाई तक वृद्धा पेंशन धारकों का कैंप लगाकर आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि शासन के द्वारा जितने भी वृद्धा पेंशन हैं उसकी रेगुलर समीक्षा की जा रही है और जितने लोगों को पेंशन मिल रहा है उसका जाँच करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा इसका सही से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए अभियान चलाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग विभागों को निर्देशित किया जा रहा है कि वह जांच करें जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है या जो लोग अपात्र व्यक्ति हैं उनके नामों को हटवाया जाए जिससे सही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली जितने भी स्कीम्स हैं विधवा पेंशन वृद्धावस्था समय स्कीम्स में हम लोग इसका समीक्षा रेगुलर कर रहे हैं। कुछ हद तक एक वेरिफिकेशन लेवल पे पेंडिंग निकल रहा है, कुछ ड्राइव में कमी है, लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करने का प्रेरित करना है, तो इसी संबंध में अलग अलग विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि अपने अपने ड्राइव निकालें और रूटीन वाइज इसको इंश्योर करें कि जितने लाभार्थी हैं उनके चयन हो जाए और जो अपात्र हैं या जो डेथ हो गया है उन सबको वहाँ से लिस्ट से वीड आउट करें। विधानसभा चुनाव की सफलता को आगामी लोकसभा चुनाव में दोहराने के लिए भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट की अपनी खास रणनीति को फिर धार देना शुरू किया है। बूथ जीता चुनाव जीता के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी भाजपा अब मिशन 2024 के लिए इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। संगठन के निचली इकाई तक पकड़ मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत बूथों की समीक्षा शुरू की है। अभियान में उन बूथों को चिन्हित किया गया है जिन पर विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था। ऐसे कमजोर बूथों को चिन्हित कर वहां पार्टी के कमजोर रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए बूथ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के मुताबिक रणनीति बनाकर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर दौरे के दौरान शहर विधानसभा क्षेत्र में राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा करेंगे। महानगर में पासपोर्ट कार्यालय के पास एम्बियंस बैंक्वेट हॉल में अपहन 3 बजे आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री राप्ती नगर मंडल के बूथ संख्या 137, 138, 139, 140, 141 के अध्यक्ष व बूथ समिति के पदाधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री इन बूथों पर पार्टी के कमजोर रहने के कारणों की समीक्षा करने के साथ इन्हें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने विकास भवन सभागार में गोरखपुर के ब्लॉक तहसील के जनसूचना अधिकारियों के साथ जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिए कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को समय से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाए और यदि सूचना नहीं दिया जाना संभव हो तो आवेदक को सासमय अवगत करा दिया जाए, किसी भी दशा में आवेदन को लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में सुनवाई हेतु जन सूचना अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जिसे पूरे प्रकरण एवं सूचना की जानकारी हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभागों में जन सूचना का रजिस्टर अनिवार्य रूप से बना रहे और उसमें प्राप्त आवेदन एवं उसके निस्तारण का विवरण भी अंकित किया जाए। उन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन की प्रथम अपील प्राप्त होने पर समय से उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कराते हुए जन सूचना के आवेदनों का समय से निस्तारण कराया जाए।
जिसके संबंध में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में जन सूचना अधिकारियों की बैठक थी, जिसमें राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम और पंचायती राज विभाग की बैठक की गई, जिसमें सभी SDM, CO, VDO उपस्थित थे। उनसे बताया गया कि RTI शासन प्रशासन के काम में संपूर्ण पारदर्शिता का कानून है। इस बैठक में CDO संजय कुमार मीना, SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, ADME पुरुषोत्तम गुप्ता, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश सिंह, CO कोतवाली विमल कुमार सिंह, CO कैंट श्याम देव बिंद, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य BDO एवं अन्य विभागों के जन सूचना अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा, सर आपको आपकी सर इस बैठक में लास्ट बैठक में सर कि हमारे सभी SDMs हैं, SDM सभी BDO तहसीलदार और यू पंचायत और फिर CO भी कुछ है सर और गए हैं, वो इतना कुछ इनको इशू भी हो गया है तो हमें प्रशासन सर मैं पुरुषोत्तम दास गुप्ता यदि प्रशासन बुरा दूँ सर मैं राम ब्रह्मा किसान संजय पांडे की पंचायत है, इतने ब्लॉक है जिले में 20 वीडियो करीब करीब आई गए हों तो जाना ही है क्योंकि असली सूचना तो वही रहती है, उसी देना पड़ता है और वही सबसे कमजोर कड़ी है, सब काम उसे करना पड़ता है, लोकपाल और काम उसे करना भी पड़ता है, तमाम तरह विविध काम पहली बार सभागार में उपस्थित CDO साहब मीना जी, रेवेन्यू साहब DPRO महोदय, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और पिछली बार जब मैं आया था तो थोड़ा अपने से गलती हो गई थी तो महाराजगंज गोरखपुर दोनों लोगों को मैंने बुला लिया था और सभी लोगों को बुला लिया था, तो बड़ा समागम होने के बावजूद भीड़ बहुत हो गई थी तो कई लोगों को बाहर जाना पड़ा, खड़ा होना पड़ा, तो ये अनुभव आया कि पिछली वाली बैठक ठीक है प्रारंभिक बैठक थी, RTI पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की थी प्रारंभिक, तो जो भी वो बैठक सार्थक थी उसके बाद थोड़ी सी सक्रियता आई अधिकारियों में कर्मचारियों में, इस बार हमने सोचा तो जनता से जुड़े हुए सर्वाधिक 3-4 विभाग हैं, जैसे पुलिस का विभाग है, सबसे ज़्यादा नदी का रिश्ता होता है, राजस्व विभाग है, ग्राम पंचायत विभाग है और ग्राम विकास विभाग है, तो 4-5 की बैठक मैंने केवल इसलिए बुलाई ताकि अफसर वर्ग आए जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जो है सूचना देने या दिलवाने की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र सिंह, जो मुख्य रूप से जन सूचना अधिकारी वही होता है, बाकी सूचना कोई देने जाए, लेखपाल जाए, ग्राम विकास सचिव जाए, कोई जाए, लेकिन जन सूचना अधिकारी के नाते जो है सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अधिकारियों की होती है, इसलिए केवल मैंने इस बार अधिकारियों को बुलाया ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ उनसे, और अधिकारी के स्तर पर जन सूचना अधिकारी के स्तर पर अगर सक्रियता है और समझ है ठीक ठाक तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत बेहतर तरीके से होता है, यदि ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कोई अगर ऐसी बात हुई तो दंड उसी अधिकारी पर लगता है, इसलिए अधिकारियों से आमने सामने ही सूचना
चाहे जिसके पास है, लेकिन जिम्मेदार जन सूचना अधिकारी हो सकता है व्यक्तिगत रूप से उसके पास ना हो, किसी और पटी बहुत अच्छी है, अनुभव हमारा ठीक है। अनुभव ये है ध्यान से सुनिए वीडियो लो, 90% केसेस क्या 95% केस में कोई वीडियो एप्लीकेशन ट्रांसफर ट्रायल नहीं होता। इसमें बताए कोई बताए 5 दिन में किसने अंतरण कर दिया, ये बैठक जो है मुख्य रूप से जनसूचना अधिकारियों की बैठक थी। आज जो बैठक हुई है जिसमें हमने राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम की बैठक जो है परसों हमने किया था। आज मुख्य रूप से 3-4 विभागों की बैठक थी, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग और पुलिस विभाग, पंचायती राज विभाग, 4 विभागों की बैठक थी और सारे जनसूचना अधिकारियों को बुलाया था जिसमें सभी SDM, सभी CO, सभी BDO, सभी ADO और CDO भी यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित थे। ADM भी आए थे और एडिशनल SP जन सूचना अधिकारी पुलिस विभाग, जिसमें केवल हमने उनसे ये कहा कि RTI सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में और यह शासन प्रशासन के काम में संपूर्ण पारदर्शिता का कानून है और भ्रष्टाचार न्यूनतम हो और सभी पत्रावली जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं सभी पत्रावलियों पर उपस्थित सूचना जो है सबको देनी चाहिए। यही लोकहित में है, यही जनहित में भी है। तो सभी लोग उपस्थित तो सबने हमारी बात को ध्यान से सुना और आश्वस्त भी किया है कि सूचनाएं सभी को हम 30 दिन के भीतर देंगे और शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। यही हमारी बैठक का उद्देश्य था। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को महिला प्रधान पर गोली चलाने वालों में से एक शातिर अभियुक्त को हरपुर बुधड़ पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 1 मिस कारतूस, 1 कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 10,130 रुपए नगद किया बरामद। SSP ने किया खुलासा। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी बुनियादी सुविधाओं की सौगात। मंगलवार को 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे CM योगी। बाढ़ से निजात के लिए लगेगी बचाव से जुड़ी परियोजनाओं की झड़ी। CM योगी करेंगे 181 विकास कार्यों का लोकार्पण व 27 का शिलान्यास। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। आवश्यक दिशा निर्देश। जुलाई को हड़ावा फाटक पर हुई वृद्ध महिला की हत्या में वांछित एक नशेड़ी युवक को कैंट पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्राप्त 680 रुपए किया बरामद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ग्यारह जुलाई से 30 जुलाई तक वृद्धा पेंशन धारकों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कैंप लगाकर आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने का दिया निर्देश। कहा, जिन पेंशन धारकों की हो चुकी है मृत्यु, अपात्र व्यक्तियों के नाम की जाए कटौती, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। कमजोर बूथों को जीतने का मंत्र देंगे CM योगी। मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालय के पास एक बैंक्वेट हॉल में शहर विधानसभा क्षेत्र में राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा करेंगे CM योगी। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने ब्लॉक तहसील पुलिस के जन सूचना अधिकारियों के साथ RTI के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक। कहा, कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियमानुसार कर दिया जाए निस्तारित। तेरह
अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, विद्युत व जल वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। सीएम योगी की पहल पर हुआ आस्था और परंपरा का श्रृंगार। 6 करोड़ की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का 14 जुलाई को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। कैन पुलिस ने एक चैन स्नेचर अविनाश जायसवाल उर्फ विशाल को किया गिरफ्तार। 5.5 ग्राम नशीला स्मैक पाउडर, एक पीली धातु की चेन, मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जनपद की सरकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 100 अंशधारक कृषक सदस्यों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने जनपद के गन्ना किसानों को अंश का प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएमओ की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी बढ़ रही है समस्याएं, अपनाना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार का मंत्र। और रामगढ़ ताल में जीडीए के द्वारा लगाया जा रहा है कमल के फूल का पौधा। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कमल का पौधा लगाने से खिलेगा कमल, बढ़ाएगा रामगढ़ ताल की सुंदरता। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग।
Hughes by Hindware Italian Collection. पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है. What's it? You like it, Chico? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? It's magnificent and it also comes in gold and chrome black. And by the way, it's Chico, not doggy. Presenting Hughes by Hindware Italian Collection. Stunning colored faucets with long-lasting finish that's noticed by everyone. Hindware Italian Collection. ISL Institute for Simplified Learning, दिल्ली के well qualified और experienced teachers द्वारा संचालित ISL Institute for Simplified Learning, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर. स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स. अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46. दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 13 अगस्त द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही जनपद में स्थित बाहरी न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल वादों, सर्विस वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को वेबसाइट के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये 13 अगस्त 2022 द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 13 अगस्त 2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा, कोला के अतिरिक्त दंड अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में विशिष्ट आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वाद जिसमें किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुदेश वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को वेबसाइट vcourt.gov.in के द्वारा ईमेल के माध्यम से भी भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं. आस्था और परंपरा के प्रतीक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को संवारने को योगी सरकार ने सदैव प्राथमिकता दी है. उसी का नतीजा है कि ऐसे स्थल आज नए स्वरूप में अपने ऐतिहासिक प्रासंगिकता को न केवल अक्षुण्य रखे हुए हैं, बल्कि इनके जीर्णोद्वार के बाद आस्था और परंपरा का और सम्मान बढ़ा है. आस्था और परंपरा श्रृंगार करते हुए गोरखनाथ ओवरब्रिज के समीप स्थित पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व वाले मानसरोवर शिव मंदिर तथा मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान अंधियारी बाग का कराया गया सौंदर्यकरण देखते ही बनता है. इन दोनों स्थलों पर हुए जीर्णोद्वार व सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन अर्थात गुरुवार 14 जुलाई को करेंगे.
मानसरोवर शिव मंदिर को सजाने संवारने में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, प्रसाधन, 50 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा, 2 टूरिस्ट सेल्टर, परिसर स्थित सरोवर पर रेड स्टोन रेलिंग, हवन कुंड, रेड स्टोन पाथवे, उद्यान, महिला पुरुष व दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण, लैंडस्केपिंग, प्रवेश द्वार, पार्किंग के निर्माण के साथ ही सोलर पैनल तथा विक्टोरिया व गार्डन लाइट लगाए गए हैं। मानसरोवर शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान, अंधियारी बाग का जीर्णोद्वार तथा सुंदरीकरण 1,64,00,000 रुपये की लागत से कराया गया है। रामलीला के लिए मंच, ग्रीन रूम, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, उद्यान, 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई गई है। रामलीला मैदान में स्थित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यकरण भी कराया गया है। कैंट पुलिस ने एक चैन स्निचर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को दूध मंडी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अविनाश जायसवाल उर्फ विशाल पुत्र राजेश उर्फ राजू जायसवाल निवासी वनगाई वनरहा तोला थाना गुलरैया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 5.5 ग्राम नशीला पाउडर, स्मैक, एक पीली धातु की चेन, एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 2 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे आवास विकास कॉलोनी बेतिहाता से रास्ते में जा रही एक महिला, जो कि एक स्कूल की बच्ची के साथ जा रही थी, उसके गले से चेन छीनी थी और बेचने की फिराक में था तथा पीली प्लास्टिक की थैली के बारे में पूछने पर बताया कि इसमें स्मैक है, मैं इसका सेवन करता हूँ, नशे की पूर्ति के लिए मेरे द्वारा यह घटना की गई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सुनील यादव, कांस्टेबल आनंद कुमार शामिल रहे। जनपद की सरकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 100 अंशधारक कृषक सदस्यों को पिपराइश विधायक महेंद्र पाल सिंह के द्वारा एनेक्सी भवन के सभागार में अंश प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, जिसके संबंध में पिपराइश विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सरकारी गन्ना विकास समिति द्वारा गन्ना किसानों का जो 200 रुपया अंश जमा रहता है, जिसको देखते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्यक्रम किया गया, जो कि पूरे प्रदेश में किया गया। उसी क्रम में 3 गन्ना समितियां पिपराइच, सरदारनगर व कैंपियरगंज के गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर DCO जगदीश यादव, SPO नीरज पटेल, अजीत पांडे, सतीश सिंह सहित अन्य गन्ना किसान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कुछ किसानों को हर जनपद स्तर पे जनपद मुख्यालय पे अंश प्रमाण पत्र माननीय जिलाधिकारी माननीय विधायक जी के द्वारा किसान भाइयों को संबोधित करके सबसे पहले मैं नाम बुला रहा हूँ मनाज सिंह, जिस क्रम से बुलाया है कि प्रमाण पत्र वितरण के समय कम से कम राशि Thank you.
ये सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा जो है जो गन्ना किसानों का जो अंश 200 रुपया जो जमा रहता है, ये पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका अंश प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई है। उसी क्रम में गोरखपुर के एनेक्सी भवन में सभी जो हमारी तीनों जो समितियां हैं, पिपराइस, सरदार नगर और कैंपियागंज, ये सभी सम्मानित अपने किसान भाइयों को यहाँ पर बुला करके उनको उनके अंश का प्रमाण पत्र वितरण का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? मैं समझता हूँ कि 100 लोगों को जो है आज यहाँ पर जो है अंश प्रमाण पत्र जो है उनको दिया गया। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड की धीमी गति पर नाराजगी जताई और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आयुष्मान कार्ड हर एक व्यक्ति का बनाया जाए, क्योंकि शासन की प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिले। उन्होंने कहा कि बरसात आने वाला है, इसलिए सभी विभाग अलर्ट पर रहे, नदियों का निरीक्षण करते हैं, जो गांव नदियों के पास है उनसे बात करते रहे, जिससे अगर बाढ़ आती है तो उनको उचित स्थान पर पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जवाब में आए तुम अपना बताए, हम उन्हीं के फायदा के लिए और तब भी ना बनवा रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट वाले देख रहे हैं, बहुत जाते हैं, इसलिए जाते हैं, वहाँ पहुँचेंगे, दिन भर में दो चार करते हैं, बाबी करेगा तब उसके फायदे भी 14 रुपये आएंगे। अब ये कार्ड सर 6-8 महीने तक कोई नोटे ही नहीं आ पाता। और बाकी क्या जाम लगा भी क्या करें, किसी दिन मेजी वहाँ बैठ जाए राशन वितरण के दिन ही बैठाना पड़ेगा। वो गलिया मेरे टीम में पैडी का बैकड्रॉप के थे, मुझे भेज दो ना सर, मैं तेज रात की बात करके मैं भेज दूंगा। अच्छा दो चीज है बैठ जाओ, एक तो स्कीम ये आया है कि जितने अंत्योदय कार्ड होता है उसके आयुष्मान कार्ड बने, वितरण का दिन आपको क्या रहा है? विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए परिवार नियोजन से जुड़े फैसलों में महिला और पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक है। दुनिया की आबादी 8 अरब के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है, हमें छोटा परिवार सुखी परिवार के मंत्र को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी चिकित्सालय पर लाभार्थी के लिए परिवार नियोजन के सभी साधन उपलब्ध हैं। इस अवसर पर SIC डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार, ARO SN शुक्ला, मैट्रन BK वर्मा, काउंसलर ज्योति सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, तो
जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए हम लोग कक्ष में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सब सभी लोग जान रहे हैं, निरंतर में हम नियंत्रण करते जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है और आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है लगभग 24 करोड़ के आसपास हो गई है। यह अगर एक तरह से जनसंख्या के बारे में देखा जाए, अगर आपके पास सभी साधन हैं, जनसंख्या हमारे लिए एक मूल अस्त्र होता है, लेकिन जब हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी जमीन सीमित है, हमारी प्रकृति सीमित है, तो हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है और इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और आज जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, इसके उपलक्ष्य में हम लोग ये करते हैं कि आम जनमानस के बीच में किया जाता है, लेकिन जैसा कि हम लोग कहने के लिए तो पुरुष प्रधान समाज का दावा करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं पर पुरुष प्रधान हैं नहीं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो गोरखपुर में ही हमारी महिलाएं जो है नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण देते हैं, चाहे वो कन्या दुष्कर्मी का हो, चाहे अस्थायी बलि का सेवन करने में उस तरह से आगे रहती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परिवार नियंत्रण देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसका मनाने का उद्देश्य ये होता है कि आम जन में बढ़ती आबादी के नुकसान और सीमित परिवार के फायदे लोगों को समझाया जाए। इसके लिए हम लोग जगह जगह गोष्ठियां करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता कराते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। उसी के तहत जो है आज हम लोग के जनपद में प्रातःकाल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से एक बैठक लिया और जिसको हम लोगों ने जूम बैठक पर सब लोगों ने देखा। जनपद के समस्त हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जितने भी CHOs थे वो थे और परिवार कल्याण और लक्ष्य दंपति को जनसंख्या के बारे में प्रेरित किया गया और इसी सिलसिले में हमने दिन में 11:30 बजे जो है जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सीमित परिवार के फायदे बताए गए और बढ़ती आबादी के नुकसान गिनाए गए, महिलाओं के बढ़ चढ़ योगदान की सराहना की गई। अभी भी पुरुषों का योगदान परिवार नियंत्रण में लगभग नगण्य के बराबर ही है, इस दिशा में भी लोगों में जागरूकता पैदा की गई, डिस्कशन किया गया और इसके साथ साथ परिवार नियोजन के जितने भी उपाय होते हैं, चाहे परमानेंट उपाय हो चाहे टेम्प्रेरी उपाय हो, इन सब के बारे में आम जन को बताया गया और सेंसिटाइज किया गया। GDA के द्वारा रामगढ़ ताल में कमल के फूल का पौधा लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल में पहला एक्सपेरिमेंट कमल का फूल लगाने का किया गया था, जो कि चिड़ियाघर और सहारा स्टेट के बीच है, जिसमें बहुत सुंदर कमल खिल रहा है, जिसकी सफलता को देखते हुए पैडलेगंज के कॉर्नर पर कमल का पौधा लगाया गया है, जहाँ पर रामगढ़ ताल का जमीन दिखता है। कमल का पौधा लगाने से ताल की सुंदरता बढ़ेगी, जो ताल में गंदगी होती है उससे छुप जाएगी और साफ सफाई करने में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा, जो भी नागरिक पैडलेगंज से नौकायन की तरफ आएंगे और बाएं तरफ देखेंगे तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए रामगढ़ ताल में हम लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था कमल के फूल लगाने का, जू के साइड में जिधर सहारा भी है, उधर आपने अगर देखा होगा तो बहुत सुंदर कमल के फूल निकल के आए हैं।
तो उसी को सफलता को देखते हुए अभी हम लोग पैडलेगंज का जो कॉर्नर है वहाँ पे, चूँकि रामगढ़ ताल का ज़मीन भी बाहर दिखता है 3-4 महीने, चूँकि वहाँ से रामगढ़ ताल की शुरुआत होती है, तो वहाँ पे हम लोग कमल के फूल पूरे एरिया में लगा रहे हैं। उससे सुंदरता भी आएगी और साथ में जो वहाँ पे ऐसे गंदगी वगैरह दिखती है वो भी उससे छुप जाएगी और साफ़ सफाई करने में भी आसानी होगी। और जो भी टूरिस्ट आते हैं बुद्ध विहार गेट से एंटर लेते हैं तो एंटर करके जब लेफ्ट साइड में वो देखेंगे तो उनको अच्छा सुखद अनुभव महसूस होगा। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को महिला प्रधान पर गोली चलाने वालों में से एक शातिर अभियुक्त को हरपुर बुधड़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 1 मिस कारतूस, 1 कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 10,130 रुपए नगद किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी बुनियादी सुविधाओं की सौगात। मंगलवार को 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। बाढ़ से निजात के लिए लगेगी बचाव से जुड़ी परियोजनाओं की झड़ी। सीएम योगी करेंगे 181 विकास कार्यों का लोकार्पण व 27 का शिलान्यास। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जुलाई को हड़ावा फाटक पर हुई वृद्ध महिला की हत्या में वांछित एक नशेड़ी युवक को कैंट पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्राप्त 680 रुपए किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ग्यारह जुलाई से 30 जुलाई तक वृद्धा पेंशन धारकों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कैंप लगाकर आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने का दिया निर्देश। कहा, जिन पेंशन धारकों की हो चुकी है मृत्यु, अपात्र व्यक्तियों के नाम की जाए कटौती, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। कमजोर बूथों को जीतने का मंत्र देंगे सीएम योगी। मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालय के पास एक बैंक्वेट हॉल में शहर विधानसभा क्षेत्र में राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने ब्लॉक तहसील पुलिस के जनसूचना अधिकारियों के साथ आरटीआई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक। कहा, कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियमानुसार कर दिया जाए निस्तारित। अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, विद्युत व जल वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। सीएम योगी की पहल पर हुआ आस्था और परंपरा का श्रृंगार। 6 करोड़ की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का 14 जुलाई को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। कैन पुलिस ने एक चैन स्नेचर अविनाश जायसवाल उर्फ विशाल को किया गिरफ्तार। 5.5 ग्राम नशीला स्मैक पाउडर, 1 पीली धातु की चेन, मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जनपद की सरकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 100 अंशधारक कृषक सदस्यों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने जनपद के गन्ना किसानों को अंश का प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएमओ की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी बढ़ रही हैं समस्याएं, अपनाना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार का मंत्र।
और रामगढ़ ताल में जीडीए के द्वारा लगाया जा रहा है कमल के फूल का पौधा। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कमल का पौधा लगाने से खिलेगा कमल, बढ़ाएगा रामगढ़ ताल की सुंदरता। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।